गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने सूत्रकर्मी के द्वारा होने वाले दो रोगों का डिस्कशन कर लिया था। आज अपन तीसरे रोग की बात करते हैं। वो तीसरा रोग जो है आपका है गेहूं का सेहू एवं तुंदु रोग। गेहूं का सेहू तथा तुंदु रोग, इसकी बात करते हैं कि भाई ये रोग क्या है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके परिचय से शुरुआत करते हैं। कहाँ से सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने खोजा, किसने देखा, इसकी बात करेंगे। ये इसमें से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर इनके रोगजनक का ही बनता है। मैंने आपको पहले कहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ, दो साल से यही चल रहा है पैटर्न, यही एग्जाम का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो रोगजनक याद करना, फिर बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूरे आते हैं लक्षण है। मैंने आपको लक्षण देखो, लक्षण का एक जब आप क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, उससे आप लक्षण किसी प्रकार का क्वेश्चन आए वो लक्षण सबके लगभग कॉमन लक्षण है 4-5, और फिर आपको एक एक दो दो लक्षण है वो पर्सनल याद करने पड़ेंगे। ज़्यादा दिक्कत के काम नहीं, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से समझा भी दूंगा वापस जब अपन रिविजन चलेगा, जो ऑफलाइन क्लास चलेगी उसमें। तो इस रोग की खोज सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए थे नीदम। कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए थे आपके, उसका नाम था नीदम। नीदम ने सबसे पहले क्या किया था आपके? नीदम। ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक नीदम ने 1743 के अंदर, ठीक है, 1743 के अंदर क्या किया आपके? सर्वप्रथम इस रोग के बारे में बताया था। और भारत में ये सर्वप्रथम जो है पंजाब प्रांत के अंदर, कि भारत के अंदर बात करें तो सबसे पहले पंजाब, भारत के अंदर का सबसे पहले पंजाब प्रांत में आपके 1919, ठीक है, मैं इसको देखा गया था। और फिर है कि वासुदेव तथा हिगो रानी ने 1952 के में इसके बारे में बताया कि इस रोग के कारण गेहूं के उत्पादन में, कि भाई इस रोग के कारण गेहूं के उत्पादन में आपके 1-3% तक की हानि होती है, हो गया साहब सिंपल सा, कि भाई इस रोग के बारे में सबसे पहले जो आपके गेहूं का सेहू रोग की खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक नीदम, ठीक है, 1743 के अंदर इस रोग की खोज की थी। और भारत में यह सर्वप्रथम रोग आपके कहाँ देखा गया था? पंजाब के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। किसने बताया? नीदम ने 1919 में देखा गया था। और वासुदेवा और हिगो रानी ने 1952 में, ठीक है, गेहूं के, इन्होंने बताया कि गेहूं के इस रोग की वजह से 1-3% तक क्या अपन को आर्थिक हानि प्राप्त होती है इस रोग से। इसके बाद इसकी बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, इसमें क्या क्या है, क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया परिचय में, किसने बताया, कब बताया, ये इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार पढ़ लीजिए आप अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, बाकी इतना नहीं पूछा जाता वैज्ञानिकों के बारे में डिटेल। पर इस रोग, ये रोग जो होता है वो पीले बाली विगलन रोग कारक, कि ये जो रोग है आपके, यह रोग पीले बाली विगलन रोग कारक जीवाणु, जिसका नाम है आपके रेथाई बैक्टर टिट्रीसाई, के साथ पाया जाता है। मतलब एक रोग होता है पीले बाली विगलन रोग कारक, मतलब जिसकी वजह से बालियां वो पीली पड़ जाती है। विगलन मतलब होता है गलने लग जाती है जल्दी, टूटने, एक तो होता है विगलन मतलब तो अलग होना, टूटना, विगलन मतलब चीज़ का गलना, सड़ना। ठीक है, जो रोग कारक होता है जीवाणु, उस ये रेथाई बैक्टर टिट्रीसाई की वजह से ये जो है देखा जाता है। इसके साथ क्या ये रोग पाया जाता है, रोग कारक पाया जाता है, अधिक मात्रा नुकसान पहुंचाता है, साथ साथ में आपके क्या करता है, ठीक है, ये आपके गेगल युक्त आटा जो है मनुष्य और पशु के लिए क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। गेगल मतलब होता है छोटी छोटी, है क्या आपके
गोलाकार सिस्टम बन जाती है, जो हानिकारक बीज बन जाते हैं इनके, वो अपने लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। और हचिनसन, ठीक है, हचिनसन ने 1917 के अंदर, भारत में, जो भारत के पंजाब, प्रांत में, सर्वप्रथम बाली, विगलन रोकारक की खोज की। ये वाला जो रोकारक है, बाली विगलन रोकारक, रेथाइबैक्टर टिट्रिसाइस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हचिनसन ने भारत के अंदर पंजाब में की थी 1917 के अंदर। किसकी? बाली विगलन रोकारक की खोज की थी, रेथाइबैक्टर टिट्रिसाइस की खोज की थी। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए। ठीक है, अब अपन सेहू रोग के लक्षण पढ़ते हैं कि भाई इस रोग के लक्षण क्या है, फिर तुंदु रोग के लक्षण पढ़ेंगे, फिर इनके रोगकारक रोगजनक की बात करेंगे, ठीक है, फिर इनके रोग चक्र की बात करेंगे अपन, और लास्ट में अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, प्रबंधन की बात करेंगे, फिर प्रबंधन में फिर ये आपके सूत्रकर्मी वाला मामला पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए क्या रहा कि भाई ये जो गेहूँ का जो सेहू रोग है या आपके तुंदु रोग जो होता है, ये आपके रोग जो कारक होता है जिसे बोला जाता है पीली वाली विगलन रोगकारक, इसी की वजह से होता है, इसी की सहायता से होता है। तो इसकी जो इसका रोकारक है रेथाइबैक्टर टिट्रिसाइस, आपको याद रखना है किसका, पीले वाली विगलन रोकारक है, और गेहूं के सेहू तेंदु रोग के रोगजनक के रूप में भी कार्य करता है। इसके बारे में हचिनसन ने सबसे पहले 1917 के अंदर भारत के अंदर पंजाब प्रांत के अंदर इसको बाली विगलन रोकारक की खोज की थी। किसकी? रेथाइबैक्टर टिट्रिसाइस की खोज की थी। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि जो आपके सेहू रोग के लक्षण क्या है इसकी बात करेंगे, फिर अपन तुंदु रोग इसके लक्षण की भी बात करेंगे, दोनों के लक्षणों की बात करेंगे। बाकी इनके रोगजनक है वो सेम है, रोग चक्कर लगभग इनका बराबर ही होता है, ठीक है, और प्रबंधन भी एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इनमें क्या है लक्षणों में कुछ अंतर दिखाई देते हैं, जैसे अपन उनको अलग करते हैं कि भाई गेहूं का सेहू रोग ये है, तुंदु रोग जो है ये इस कारण से होता है। देखिए सबसे पहले इनकी बात करते हैं कि सेहू रोग के लक्षण की बात करते हैं कि भाई सेहू रोग के लक्षण क्या है। सेहू रोग के लक्षण, ठीक है, देखिए आप कि भाई इस रोग के लक्षण जो है वो आपके तने, पत्ती और पुष्पों पर दिखाई देते हैं। सिंपल सभी में ही होता है कि भाई लक्षण जो है तनों पर, पत्ती पर, और कहाँ पर दिखाई देंगे आपके, वह पुष्पीय भागों पर दिखाई देंगे, ठीक है। और इससे क्या रह जाएगा कि पौधा क्या रह जाता है, बोना रह जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, संक्रमित जो पौधा है इस रोग से, जो संक्रमित हो जाएगा, इस रोग से पीड़ित हो जाएगा, संक्रमित पौधा क्या रह जाएगा, बोना रह जाएगा। क्या रह जाएगा, संक्रमित पौधा बोना रह जाएगा, और इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। देखो सामान्य लक्षण है, आप किसी भी पौधे में आपको कैसे पता चलेगा रोगकारक कोई भी बीमारी हो, अब मान लीजिए पौधा हरा है, पत्तियों में कोई छेद नहीं है, पत्तियां एकदम पादप का विकास बराबर रुका है, पत्तियां मुड़ी हुई नहीं है, सीधी हुई है, मतलब कोई रोग नहीं है। बस सिंपल सी, अपन ग्रामीण परिवेश से हैं तो अपन आप खेतों में जाते हैं, अभी बारिश का सीजन भी है, ठीक है, सभी लोगों खेत बोर के होते हैं, तो आप खेत में जाते हैं, आप देखते हैं आपको कैसे पता चलता है लोगों को, भाई आपको ज़्यादातर अपने यहाँ की खेती करते हैं अनपढ़ लोग करते हैं या कम एजुकेटेड लोग करते हैं खेती, तो देख के बता देते हैं भाई ये जो फसल ख़राब हो रही है, नष्ट हो रही है, इतना समय लगेगा, तो उनका ये क्या पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इस कार्य प्रणाली को जाते आते तो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ऐसे ही मौसम होता है, इसकी वजह से ये होता है, तो अपन को पता कैसे चलता है भाई अपने खेत में दवाई देनी है, तो अपन देखते हैं पादप की पत्तियों को देखते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही है, मुड़ रही है, या ब्राउन कलर की हो रही है, चकते बन गए, पत्तियों में छेद हो गए, तो अपने पता चल गया इसमें कुछ ना कुछ संक्रमण है। वो एक अलग बात है, सूत्रकृमि का संक्रमण है, किसी और का संक्रमण है, उसको लेने देना नहीं है। तो संक्रमित पौधा क्या रह जाता है, बोना रह जाता है, और जो पत्तियां क्या हो जाती है आपके, मुड़ी हुई पत्तियां, मुड़ी हुई, चौड़ी
ठीक है, क्योंकि प्रत्यय कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है और चौड़ी हुई होती है, ठीक है, और आपके जुड़ीदार हो जाती है, क्या हो जाती है आपके, सॉरी मुड़ी हुई नहीं चौड़ी नहीं होगी, क्या हो जाएगी आपके, जुड़ीदार हो जाएगी, मतलब जुड़ीदार मतलब उसमें लाइनिंग बन जाएगी, सीधी नहीं रहेगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी, इस प्रकार की पत्तियों के लक्षण होते हैं। अब देखिए संक्रमित बालियों की बात करते हैं कि वे संक्रमित बालियाँ कैसी होगी, बालियाँ मतलब जिस पर गेहूँ लगते हैं, सिंपल सा बनाए बाली को अपन एक डायग्राम के तौर पर आपको समझाने के लिए, कल भी बढ़ाया था, अब बोले ऐसे बाली क्या होता है, बार बार बोलते रहते हैं, बता दीजिए, चले बना देते हैं बाली को, कि बाली जो है इस प्रकार से अंदर ऐसे बीज लगे होते, आप देखे होंगे इस प्रकार से, सर्दी के मौसम आप देखना बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे, होलिका दहन के लिए अपन लेके भी आते हैं उनको, फिर जला के अपन इसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये फिर ये ऐसे निकले होते हैं ऊपर, इस प्रकार से तीखे तीखे निकले होते हैं, तो ये इनमें क्या गेहूँ के दाने होते हैं, इन्हें कहा जाता है बाली, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं रखना है कि बालियाँ क्या होती है, ऐसे बहुत सी होती है बालियाँ बोल देते हैं, बाली बोल देते हैं, तो बाली होती है, तो इनमें क्या होती है, संक्रमित बालियाँ जो होती है फैली हुई छोटी और चौड़ी हो जाती है, क्या संक्रमित बालियाँ कैसे हो जाती है, संक्रमित मतलब जो इस रोग से पीड़ित है, संक्रमित बालियाँ आपके फैली हुई चौड़ी छोटी, ठीक है, कि फैली हुई चौड़ी छोटी तथा लंबे समय तक हरी बनी रहती है, तथा क्या रहेगी, तथा लंबे समय तक हरी रहती है। देखो कॉमन सी बात क्या है, बालियाँ जब लगती है हरे रंग की होती है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत जाता है संक्रमित नहीं होती है, तो ये ब्राउन कलर की हो जाती है, जब ब्राउन कलर का पूरा पौधा हो जाता है तो अपन लग जाता है, पक जाता है, फिर उसको कट करके गेहूँ को अलग किया जाता है थ्रेसर के द्वारा, मशीनों के द्वारा, ठीक है, तो ये जो संक्रमित बालियाँ रहेगी ये क्या रहेगी, फैली हुई रहेगी ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा, और चौड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, और आकार इनका लंबा नहीं होगा, छोटा आकार रह जाएगा, और लंबे समय तक क्या रहेगी, हरी रहेगी, अपन को लग रहा है पक नहीं रही है, क्या हुआ, काफ़ी समय हो गया, इतना टाइम में पक जानी चाहिए, और दाने के स्थान पर इनमें क्या बन जाते हैं, गेगल बन जाते हैं, ये इकट्ठी हो जाने लग जाती है, ऐसे संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है, और ये गेगल जो होते हैं ये अपने लिए क्या होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है, जो गहरे भूरे से काले रंग के हो जाते हैं, वे गेगल का पता कैसे चलेगा, गेगल को हो जाता है, तो ये देखो काले रंग का इस प्रकार की हरी क्या होनी चाहिए, या तो हरी होकर क्या होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए, तो ये काले रंग की हो जाती है, जिसे बोलते हैं गेगल, क्या कहा जाता है, गेगले, गेगले कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, गेगले क्या होते हैं, जब बालियों के अंदर जो आपके बीज होते हैं, ठीक है, बालियों में जो आपके दाने बनते हैं, वहाँ दानों के स्थान पर क्या होना चाहिए, हरे के स्थान पर भूरे होने चाहिए, ब्राउन होने चाहिए परिपक्व अवस्था होने पर, तो ये भूरे नहीं होकर क्या हो जाते हैं आपके, गहरे आपके काले रंग के हो जाते हैं, जो अपने लिए जहरीले, अपन इनको खा लेते हैं तो अपने लिए क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं, तो ये काले रंग के हो जाते हैं, जिसके बोला जाए गेगले कहा जाता है, जो एक संक्रमण की अवस्था है, ठीक है, तो इस प्रकार के लक्षण अपन को दिखाई देते हैं, इसके अंदर तने क्या हो जाती है, तने और पत्तियाँ पुष्प विभागों पर लक्षण दिखाई देते हैं, संक्रमित पौधा बौना रह जाता है, पत्तियाँ मुड़ जाती है और जुड़ीदार हो जाती है, और बालियाँ जो होती है अभी बता दिए, बालियाँ किसान फैली भी हो जाती है, फैल जाती है इसे, चौड़ी हो जाती है, छोटी रह जाती है, लंबे समय तक हरी रहती है, और जो बीज बनने होते हैं वहाँ पे जो ब्राउन कलर के होने हैं वहाँ पे ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जैसे गेगले कहते हैं, गेगले बने लग जाते हैं। अब इसके आगे देखिए और क्या परिवर्तन आता है मुख्य रूप से, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं। और देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आते हैं, कि जो रोगी पौधे में क्या होते हैं, 100 पौधे से 30 से 40 दिन पहले बाली निकल आती है, कि जो रोगी पौधा रहेगा, रोगी पौधे में स्वस्थ पौधे की तुलना में, स्वस्थ पौधे की तुलना में 30 से 40 दिन, 30 से 40 दिन पहले क्या हो जाते हैं, 30 से 40 दिन पहले बालियां बालियां निकल आती हैं, देखिए सिंपल सी बात क्या रह गई, कि रोगी पौधे जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्वस्थ पौधे की तुलना में क्या हो जाते हैं, देखो
सामान्य क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, जो संक्रमित होता है वो जल्दी क्या करता है, बालियाँ निकालता है, जल्दी फूल निकलते हैं उनके अंदर। अब ये रोगी पौधा जो होगा, देखो मान लीजिए फसल हुई अभी 30 दिन की फसल हुई है, और नॉर्मल एज वेज भी 60 दिन की फसल होती है तब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए 60 से 70 दिन की होती है बालियाँ निकलती है। अब मान लीजिए रोगी पौधे के अंदर आपको 40 दिन पहले बालियाँ निकली, 40वें दिन बालियाँ निकल गई, इसका मतलब क्या है, जल्दी निकलना भी एक संक्रमण को रिप्रेजेंट करता है, अपन को नोट करना पड़ता है। जो रेगुलर खेती करते हैं उनको पता होता है, या जो आपके एग्रीकल्चर प्रवेशक ये आपके होते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनको नॉलेज होता है बालियाँ जल्दी बन गई, इस प्रकार की बालियाँ संक्रमित बाली है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी पहचान होती है कि बालियाँ जो होती है संक्रमित पौधे के अंदर सामान्य पौधे से जो रोगी नहीं है उसे 30 से 40 दिन पहले क्या हो जाती है, बालियाँ बनने लग जाती है और पिट्टिकाएँ बनना प्रारंभ हो जाओ। बालियों पर क्या बनने लग जाती है, पिट्टिकाएँ। पिट्टिकाएँ मैंने आपको बताया गोलाकार संरचनाएँ बनती है जिनके अंदर इस संक्रमित सूत्रकर्मियों के क्या होते हैं आपके डिंबक अवस्था अंड अवस्था विकसित होती है, तो पिट्टिकाएँ बनना प्रारंभ हो जाती है। पिट्टिकाएँ बनना प्रारंभ हो जाती है। अब इसके आगे देखिए आप कि भाई इसमें क्या होते हैं, इस पौधे के अंदर क्या हो जाता है आपके कि प्रारंभ में ये मुलायम और चमकीले गहरे रंग की होती है आपके पिट्टिकाएँ, जो बाद में गहरे भूरे व काले रंग में बदल जाती है। कि भाई पिट्टिकाएँ जो होती है कैसे होती है, पहले मुलायम होती है और चमकीली होती है आपके, मुलायम चमकीले गहरे रंग की होती है। मुलायम और क्या हो जाती है, चमकीले गहरे रंग की होती है, और बाद में कैसे हो जाती है, गहरे भूरे या काले रंग की हो जाती है, गहरे भूरे काले रंग में बदल जाती है। तो ये पिटिकाओं की अवस्था है कि पिटिकाएं पहले कैसी होती है आपके कि चमकीले गहरे रंग की होती है, ठीक है, कैसी होती है भाई आपके चमकीले गहरे रंग की होती है और मुलायम होती है, बाद में कैसे में बदल जाती है आपके, आपके गहरे भूरे रंग के अंदर या काले रंग के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जो पहले इस प्रकार की होती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर क्या फिर क्या होते हैं कि पिट्टिकाएँ जो होती है उनके कुंडों के अंदर क्या होता है, आधार तुष्टों पर भी बन सकती है। तुष्म जो ऊपर निकले होते हैं तंतुनुमा सस्ताएँ उन्हें तुष्ट कहा जाता है, वहाँ पर ये बन सकती है। और संक्रमित पौधे का तना क्या होता है, मृदा के समीप आधार भाग पर फुला हुआ रहता है। कि भाई समीप क्या होगा, जैसे पौधा लगा हुआ है, सामान्य पौधा इस प्रकार से होता है, तो ये जो संक्रमित पौधा होगा इनका आकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ये नीचे से क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ये एक लक्षण और भी है, और ये रोग केवल सूत्रकर्मी के द्वारा ही होता है, कि सिर्फ सूत्रकर्मी संक्रमण द्वारा, जीवाणु विषाणु एक उनका अलग इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सूत्रकर्मी के द्वारा होगा तो इसी प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गए आपके सेहू रोग के लक्षण क्या होते हैं, इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तुंदू रोग के लक्षण क्या होते हैं, इनमें क्या अलग से लक्षण प्रकट होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए आप तुंदू रोग के लक्षणों की बात करते हैं, तुंदू रोग के लक्षण तुंदू रोग के लक्षण क्या देखिए कि भाई गेहूं में तुंदू या पीली बाली विगलन रोग का प्रथम लक्षण, कि भाई गेहूं में तुंदू रोग के या पीली बाली विगलन रोग, एक ही बात है कि गेहूं के, देखो इसका अदर नाम है, अपन थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, गेहूं के तुंदू या पीली बाली विगलन रोग के जो है आपके, तो आप समझ आ गए इसका अदर नाम क्या गया, पीली बाली, ठीक है। इस रोग के जो सर्वप्रथम लक्षण है वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, तरुण जो नई पत्तियां बनती है, तरुण पौधों की, छोटे पौधे होते हैं, तरुण पौधों की, तरुण पौधे की निचली पत्तियां ऐंठी हुई दिखाई देती है, ऐंठी हुई मतलब मुड़ी हुई दिखाई देती है, पत्तियां ऐंठी हुई या मुड़ी हुई
ठीक है, दिखाई देती है। यह आपके किसके लक्षण है? सबसे पहले तरुण पौधे की जो निचली पत्तियाँ क्या होती है, एंटी या मुड़ी हुई दिखाई देती है। और एक चमकीले पीले रंग का चिपचिपा किसमें क्या होता है, केक क्या होता है, चमकीले चमकीले पीले रंग, चमकीले पीले रंग का चिपचिपा, चिपचिपा ध्यान रखेंगे, चमकीले पीले रंग का एक चिपचिपा अवंपक, अवंपक मतलब आपके ये स्लाइम बोर्ड बोलते हैं जो चिपचिपा होता है ना किसी चीज़ में, ऐसे जैसे सतह है इस पर, इस प्रकार की कुछ रचना बन गई बहुत ही ज़्यादा फिसलन और चिपकी हुई है ब्राउन कलर की वायर की, जैसे बोलते हैं अवंपक परत भी कहा जाता है। तो अवंपक रूपी रिसाव क्या होता है, अवंपक रूपी रिसाव बालियों या पत्तियों पर पाया जाता है, अवंपक रूपी रिसाव बालियों व पत्तियों पर, बालियों पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या है अवंपक में भी बताया, वो चिपचिपा है, इसे इंग्लिश में स्लाइम मोल्ड कहा जाता है, चिपचिपा ब्राउन कलर की संरचना बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या होती है, जो आपके चमकीले पीले रंग की जो चिपचिपा पदार्थ है कहाँ पर पाया जाता है, या तो बालियों पर या पत्तियों पर, ये चिपचिपा पदार्थ का क्या होता है, रिसाव देखने को मिलता है, जैसे कोई ब्राउन कलर के कोई चिपका हो ना पदार्थ, उस प्रकार का दिखाई देता है। और इसके कारण क्या होता है, जो आपके पण आच्छद या तना होता है वो चिपक कर गुंथ जाता है, पण आच्छद और क्या हो जाता है आपके तना गुंथ जाता है, या आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, कि पण आच्छद जो होता है आपके ये क्या हो जाते हैं आपके, वो तना जो आपस में जुड़ जाते हैं अच्छे से, ठीक है, गुंथ जाते हैं, ठीक है, आपस में चिपक कर गुंथ जाते हैं। क्या हो जाता है, चिपक कर गुंथ जाते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और तना क्या हो जाता है आपके, विकृत हो जाता है, वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि रुक जाती है और क्या हो जाता है आपके, तथा तना विकृत हो जाता है, तने का तना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तना विकृत, ठीक है, कि वह तना कैसे हो जाता है, विकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ इसमें लक्षण दिखाए जाते हैं, वो भी देखिए वापस सुन लीजिए, कि जो तरुण पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, निचली पत्तियाँ होती है, ठीक, नीचे जो पत्तियाँ लगती है, नई नई पत्तियाँ वो मुड़ जाती है, और चमकीले पीले रंग का चिपचिपा पड़ा जो अवंपक रूपी पड़ा होता है, रिसाव ब्राउन कलर का आपके चमकीला होता है, ठीक है, ये आपकी बालियों पर पत्तियों पर देखने को पाया जाता है। और ये चिपचिपचिप पड़ा जो पर्णाच्छद, जो पर्ण का जो फैलावाच्छद वो भाग होता है, इसे बोलते हैं पर्णाच्छद, ठीक है, और तना आपस में चिपक जाता है। देखिए एक पत्ती की संरचना पढ़ते हैं अपन, जैसे सिंपल से ही बनाए हैं एक बार, जैसे पत्ती बनाए, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो देखिए ये तो कहलाता है आपके पर्णवृंत, ये आपके पूरा पर्ण फलक, ये आपके पर्णकोर, ये पर्णशिकाग्र, ठीक है, तो ये सचना होती है, ये आपके क्या हो जाते हैं कि पर्णवृंत हो गया, तो ये आपके जो पर्णाच्छद पूरा फैलावा भाग होता है, इसे बोलते हैं पर्णाच्छद, ठीक है, पर्ण को ढकने वाला, ठीक है, ये सचना कुछ इसमें पाई जाती है पत्ती के अंदर मुख्य रूप से। अब आप आगे देखिए इसके महत्वपूर्ण दो पॉइंट और है, इसकी बात कर लेते हैं कि जब नम मौसम होता है उसमें क्या होता है, जो ये अवंपक पदार्थ होता है स्लाइम मोल्ड के समान, जो चिपचिपा ब्राउन कलर का पदार्थ होता है, ये क्या होता है, बहते हुए दिखाई नहीं देता, बहने लग जाता है, बहते हुए दिखाई देता है, बहते हुए दिखाई देता है, बहने लग जाता है, कौन, आपके स्लाइम मोल्ड जो है चिपचिपा पदार्थ है, अवंपक रूपी पदार्थ है, ये बहने लग जाता है कब, नम मौसम के अंदर, नम मौसम, नम मतलब जब नमी हो, आर्द्रता हो, तब ये बहने लग जाता है, कौन, अवंपक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। फिर देखिए इससे क्या होता है, जब ये सूखता है, सूखने पर कठोर होने पर क्या हो जाता है, भंगूर है, पीले भूरे रंग का हो जाता है, भंगूर मतलब बहुत ही कमजोर, जल्दी टूटने वाली संरचना, तो ये क्या हो जाता है आपके, सूखेगा जैसे ही अभी बहने लग जाए, फिर सूखेगा क्या हो जाएगा आपके, कठोर हो जाएगा थोड़ा, और भंगूर जल्दी टूट जाएगा और पीले भूरे रंग का हो जाता है। और
ये रोग जो सूत्रकर्मी या जीवाणु के कारण होता है इसे जटिल रोग भी कहते हैं, कि सूत्रकर्मी और जीवाणु के दोनों के मिलेजुले रूप की वजह से होता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, जटिल रोग कहा जाता है, क्योंकि एक भी अपने लिए भारी होता है, दो साथ में मिल जाते हैं रोग कारक तो अपने लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। अब इनके रोगजनक की बात करते हैं कि भाई किन की वजह से फैलता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए रोगजनक की बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रोगजनक जो है आपके एंग्यूइना टिट्रिसाई, ठीक है, और एक रोग कारक आपके जो होता है उसका नाम है रेथाई वेक्टर टिट्रिसाई, ठीक है, ये दो ऐसे रोगकारक है जिनकी वजह से आपके गेहूं का सेहू रोग और तुंदू रोग फैलता है, ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से रोग देखने को मिलता है। अब रोग चक्र की बात करते हैं कि भाई रोग चक्र जो है उसकी क्या संरचना है, किस प्रकार से ये रोग फैलते हैं उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपने रोग चक्र, कि भाई रोग चक्र क्या है, इसकी भाई डिजीज साइकिल कैसे किस रोग फैलता है। तो भाई गेहूं के जो सेहू रोग को क्या किया जाता है, उत्पन्न करने वाले जो डिंबक होते हैं पिटिकाओं में नम अवस्थाओं में 8 से 9 वर्ष तक क्या होता है आपके, कि जो गेहूं का सेहू रोग के जो आपके उत्पन्न किया करने वाले जो डिंबक होते हैं, डिंबक किसको रोग उत्पन्न करने वाले, सेहू रोग, गेहूं का पटल आपको बताइए सेहू रोग, ठीक है, तो ये डिंबक जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आपके पिटिकाओं में क्या पाए जाते हैं, डिंबक जो होते हैं वो पिटिकाओं में, पिटिकाओं में गोलाकार संरचनाएं जो पादप के भागों पर पत्तियों पर तने पर कहीं पर भी हो सकती है, तो ये पिटिकाओं में नम अवस्थाओं में, पिटिकाओं में नम अवस्थाओं में 8 से 9 वर्ष, कितने 8 से 9 वर्ष व शुष्क अवस्थाओं में, शुष्क अवस्थाओं में लगभग फिक्स नहीं है अंदाजे से लगभग 28 वर्ष तक जीवनक्षम रहते हैं, जीवन जीने में सक्षम रहते हैं, जीवनक्षम रहते हैं। देखिए अब कितनी क्षमता है इनमें कि भाई जो सेहू रोग जो फैलाते हैं उनके डिंबक जो होते हैं वो पिटिकाओं के अंदर यदि मान लो नम अवस्था है तो 8 से 9 वर्ष आसानी से जीवित रह सकते हैं, और शुष्क अवस्था है तो ये 28 वर्ष तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं, 28 वर्ष के बाद भी रोग फैलाने में सक्षम है। तो इस प्रकार की इनकी शरीर की संरचना होती है, इतनी जटिल संरचनाएँ पाई जाती हैं इनके अंदर जिससे ये अपने को आपको आसानी से क्या रख पाते हैं, जीवित रख पाते हैं, ठीक है। बाकी जो रोग चक्र है इसकी डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि भाई रोग किस प्रकार से फैलता है, इसकी क्या प्रोसेस रहता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।